गदर का रिव्यू करेंगे, गदर टू का। तो जिन्होंने 90s के जितने भी लोग हैं जिनको गदर अच्छी लगी थी, उनको तो ये डेफिनेटली मूवी अच्छी लगी, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही मूवी बनाई हुई है। बाकी आज की बात करते हैं कि आज के डेट में मूवी कैसी है। तो फैमिली मूवी है, आप पूरे फैमिली के साथ जाके देख सकते हो। और कहानी सेम है कि इस बार जो है सनी देओल जो है अपने बेटे को लेने जाते हैं, और इसी बेस पे पूरी फिल्म है। मूवी की जो सबसे अच्छी बात है कि मूवी लंबी तो है, 2 घंटे 45 मिनट के आसपास है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि मतलब टाइम कैसे बीतता है। और मूवी में इमोशंस भी हैं, एक्शन सीन्स भी काफ़ी हैं, और कहीं कहीं भी जो है कॉमेडी भी डाला हुआ है। तो पूरी मूवी जो है आपको बांधे हुए रखती है। स्टोरी ठीक ठाक है, स्क्रीन प्ले भी जो है वो अच्छा लिखा है। थोड़ी सी मूवी छोटी रख सकते थे, 2 घंटे 45 मिनट की जगह 2 घंटा 10 मिनट या 2.5 घंटे की रख सकते थे। गाने जो है इन्होंने जो एक चीज़ जो है अनिल शर्मा जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो गाने इन्होंने प्रचार किए वो पुराने गानों को ही नए फॉर्मेट में करके किया है। तो इससे पब्लिक क्या है, पब्लिक को नॉस्टैल्जिया आता है, वो थिएटर तक खींचे चले आते हैं। लेकिन जब आप थिएटर में आते हैं तो वो गाने तो हैं ही, साथ में इन्होंने 2-3 और गाने हैं जो कि बहुत ही अच्छे बन पड़े हैं। तो फिल्म का जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा है, और जो गाना वगैरह भी है वो काफ़ी अच्छा है, आपको वो गाना फिल्म से कनेक्ट लगता है। तो गुड म्यूज़िक, गुड सॉन्ग्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिंग की। तो एक्टिंग में जो है जिन्होंने भी ये बात कही कि सनी देओल का रोल छोटा है, वो सब रिव्यूज़ जो है वो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी देओल का इसमें प्रॉपर रोल है, सिर्फ जो है 20-25 मिनट की मूवी में उसका वो नहीं दिखाई देता, बाकी हर सीन में हर जगह है ये मूवी। ये टिपिकल सनी देओल की मूवी है। और डायरेक्टर ने जो अपना बेटा जो उसका हीरो बनाया उसको कोई बहुत बड़ा करके दिखाने का भी कोशिश नहीं किया है। इट्स ए टिपिकल सनी देओल मूवी। अमीषा पटेल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट उन्होंने अपना रोल ठीक ठाक वाइफ का प्ले किया है। सनी देओल जब भी पर्दे पे आते हैं तो उनका लगता है कि हाँ भाई चार्म है, इफेक्ट है, आज भी गदर का फॉर्मेट है, और पूरे स्क्रीन को अलाइव कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। उत्कर्ष शर्मा ने ठीक ठाक रोल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इस फिल्म के वीक पॉइंट हैं, जो वीक कड़ी जिसको हम कहते हैं ना, कि मूवी पूरी अच्छी बन पड़ी है लेकिन एक वीक पॉइंट है। उन्होंने कुछ ख़राब काम नहीं किया है, लेकिन जब सबके परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड हो, स्क्रिप्ट इतनी सॉलिड हो, तो उसमें उनका जो है उनकी जगह बेटर एक्टर को लिया जा सकता है। दर उसके बाद हम बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट वैल्यू, इमोशंस, एक्शन, क्राइम, सब कुछ है। और हाँ, एक और चीज़ जो हम गदर टू में मिस करते हैं वो डेफिनेटली अशरफ अली यानी अमरीश पुरी का मिस करते हैं। तो उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग और अशरफ अली की जो जो अमरीश पुरी की जो एक्टिंग है, इन दोनों चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो गदर टू बिल्कुल मूवी देखने लायक है। और पूरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, पूरा एंटरटेनमेंट है इसमें, आपको एक एक पैसे वसूल हो जाते हैं। ओपनिंग ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको इस मूवी का और भी बड़ा इफेक्ट देखना है तो आप उसको सिंगल स्क्रीन में देखो। इवन मल्टीप्लेक्सेज में भी लोग जब डायलॉग्स वगैरह जब हो रहे हैं तो काफ़ी तालियां बजा रहे हैं। जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इस मूवी का, मुझे लगता है कि सन्नी देओल का प्रेजेंस और जो डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं, वो डायलॉग्स इन्होंने बहुत ही रिपीट वैल्यू वाले डायलॉग्स लिखे हैं। डायलॉग बहुत ही पावरफुल है जिन्होंने भी ये डायलॉग लिखा है। तो कुल मिला के मूवी जो है वो डेफिनेटली वॉच है, मस्ट वॉच है, और एक बार तो बिल्कुल देखी जा सकती है। और जो भी थोड़े बहुत जो रिव्यूज़ आ रहे हैं कि मूवीज़ 90s की है या जैसी भी है, तो मुझे लगता है कि मूवी 90s की फील हो सकता है दे रही हो, लेकिन ये मूवी 2023 में भी उतनी ही चलेगी जितनी कि 90s में चलती, खासकर मास
मास स्क्रीन में तो डेफिनेटली चलने वाली है, इंटेलेक्चुअल्स में ये मूवी नहीं चलेगी। ओके सो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, और थैंक यू वेरी मच।